नमस्ते, मैं तेजस्विनी देवांगन, छत्तीसगढ़ ज्ञान ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल पामगढ़ से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के साइंस सब्जेक्ट में से परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका, रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताऊँगी। तो परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका को जानने से पहले हम जानेंगे कि जो रक्त है वो क्या है। तो शुरू करते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे परिसंचरण तंत्र द्वारा शरीर में भ्रमण करता है। मतलब रक्त एक ऐसा लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे रक्त की नलियों के माध्यम से पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता रहता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने का काम करता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से कहने का मतलब है पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ या ऑक्सीजन आदि। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों तक कैसे पहुंचता है? हमारा जो पाचन तंत्र है जब उस भोजन का पाचन कर लेता है, उसके बाद उसको हमारे रक्त की नली में डालता है ताकि वो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जा सके। वैसे ही शरीर में बनने वाले जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको भी शरीर के अंगों से रक्त की नली में डाला जाता है ताकि वो हमारे उत्सर्जी अंग तक पहुँचाया जा सके। वैसे ही ये जो ऑक्सीजन होता है, हम जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करेंगे उसको फेफड़े की कुपिकाओं से रक्त की नलियों में स्थानांतरित किया जाता है ताकि वो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके। रक्त जो है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ होता है और प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 5 से 7 लीटर रक्त जो है पाया जाता है। तो ये तो हो गया रक्त के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये जो रक्त है वो किन किन भागों से या घटकों से मिलकर के बना हुआ है। रक्त के भाग या घटक, तो हम देखेंगे कि रक्त जो है वो 2 भागों से या 2 घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला भाग होगा उसका द्रव जैसा भाग, जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, और दूसरा होता है उसका ठोस भाग, जिसे रक्त कोशिका कहते हैं। इस प्रकार रक्त के 2 भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिका। ये जो रक्त कोशिका होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। पहला लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होगा प्लेटलेट्स। इस प्रकार से ये हो गया हमारे रक्त के भाग या घटक के बारे में। अब हम इसके सभी भाग और उसके प्रकार के बारे में अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो रक्त का पहला भाग होता है प्लाज्मा। तो क्या है प्लाज्मा? रक्त के तरल और रंगहीन पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। मतलब हमारे रक्त में पाई जाने वाली तरल, द्रव जैसी रंगहीन जो पदार्थ पाया जाएगा उसे ही हम प्लाज्मा कहेंगे। चित्र में हमारे रक्त की नली से निकलता हुआ रक्त है, जिसमें ये जो हल्के पीले रंग का जो पदार्थ दिखाई दे रहा है उसे ही हम प्लाज्मा कहेंगे। वैसे तो ये जो प्लाज्मा होता है उसका रंग रंगहीन होता है, लेकिन अगर हमारे रक्त में इस प्लाज्मा की मात्रा बढ़ने लगे तो वो हमको हल्के पीले रंग का दिखाई देने लगता है। प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है वो जल का बना हुआ होता है, जबकि केवल 10% भाग में ही कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम देखेंगे रक्त के दूसरे भाग के बारे में, जो है रक्त कोशिका। तो हमने पहले भी देखा कि जो रक्त कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार होता है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रक्त में पाई जाने वाली गोलाकार लाल रंग की कोशिकाओं को लाल रक्त कोशिका कहते हैं।
मतलब हमारे रक्त में पाई जाने वाली ये गोलाकार या अंडाकार आकृति की जो लाल रंग की कोशिकाएं दिखाई देगी उसे ही हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं, जिसका जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिनों का होता है। चित्र में जो हमको लाल रंग की गोलाकार आकृति की जो कोशिका दिखाई दे रही है उसे ही हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं। इस लाल रक्त कोशिका की जो संख्या होती है वो बाकी सभी रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। इस लाल रक्त कोशिका में कुछ विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, रंग पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है वो लाल दिखाई देगा। लाल रक्त कोशिका में जो लौहयुक्त वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन में कुछ विशेष गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित कर अपना बंधुता स्थापित करता है। जैसे कि होता है उसका गुण होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करना, उसी तरह से ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आकर्षित करने के बाद बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो ऑक्सीजन होगा वो हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होते रहता है। और जहाँ पे हमारे शरीर की कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ पे इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन होगा वो अलग हो जाता है और हमारे शरीर की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। फिर से इस प्रकार ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन होगा वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ये हो गया लाल रक्त कोशिका। इसके कार्य के बारे में देखेंगे तो लाल रक्त कोशिका का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। जैसा कि अभी हम पहले देखे हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, इसलिए लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य होगा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, उसको शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना। अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार के बारे में, लाल रक्त कोशिका के बाद श्वेत रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका के बाद दूसरा आएगा श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो श्वेत रक्त कोशिका होती है वो रंगहीन अनियमित आकृति की होती है और इसका जीवन काल 12 से 13 दिनों का होता है। तो चित्र में जो हमको ये बड़ी बड़ी सफ़ेद आकृति की जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है उसे ही हम श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। इसकी कोई विशेष प्रकार की आकृति नहीं होती है और ये रंगहीन होता है। इसका जो संख्या होगा वो लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है, लेकिन ये लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा आकृति में बड़ी होती है। श्वेत रक्त कोशिका का कार्य होता है शरीर को संक्रमण से बचाना। मतलब जब हमारे शरीर में कभी हानिकारक जीवाणु या विषाणु अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको शरीर में फैलने से बचाने का काम करता है श्वेत रक्त कोशिका, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम देखेंगे रक्त कोशिका का तीसरा प्रकार, प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है वो भी अनियमित आकृति की कोशिकाएं होती है, जिसका जीवन काल 10 दिनों का होता है। चित्र में जो ये हल्के रंग की संरचनाएं दिखाई दे रही है उसे हम प्लेटलेट्स कहेंगे। इसका भी कोई विशेष प्रकार का आकृति नहीं होता है, ये अनियमित आकृति के होते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना मतलब जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट लगती है तो उस चोट की वजह से रक्त बाहर आने लगता है, थोड़ी देर पश्चात उस रक्त के ऊपर में रक्त का थक्का या पपड़ी बन जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर का जो रक्त है वो और अधिक मात्रा में बाहर नहीं निकल पाता। तो चोट लगने के बाद उस घाव के ऊपर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स, ताकि शरीर का जो रक्त है वो और अधिक मात्रा में शरीर से बाहर ना निकल सके। तो ये हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक पे ज़रूर नोट करें।
वीडियो को अच्छी तरह से समझने के बाद आप इन क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर नोट करें। तो बस इतना ही, थैंक यू।